ये है हमारा IC555, इसको हम यूज़ करेंगे आई स्टेबल, मोनो स्टेबल एंड बाई स्टेबल। तो हम सबसे पहले मोनो स्टेबल की रीडिंग्स ले रहे हैं। तो मोनो स्टेबल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 5 वोल्ट की जो बैटरी है इसको हम 10 किलो ओम पे लगाएंगे और 10 किलो ओम को हम ले जाएंगे 7 पे, पिन नंबर 7 पे, ये पिन नंबर 7 है, और पिन नंबर 7 को हम 6 पे ले जाएंगे, और पिन नंबर सिक्स से हम यहाँ पे 0.01 माइक्रोफेरेट पे ले जाएंगे, और ये हमारा ग्राउंड है। हाँ आ गए भाई, ये हमारा ग्राउंड पे होगा, ठीक है। ये जो है ये हमने ग्राउंड से दे दिया। अब हम ये वाला कनेक्ट करते हैं, ये एक हम करेंगे पिन नंबर 5 से, यहाँ पे पिन नंबर 5 से, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे ग्राउंड से, दूसरा वाला हम कर देंगे ग्राउंड से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम CRO का आउटपुट ले लेंगे, यहाँ पे पिन नंबर 3 और ग्राउंड पे आउटपुट ले लेंगे CRO को। क्या करना है, एक इसमें स्क्वायर वेव देनी है, स्क्वायर वेव देने के लिए हम ये सिग्नल जनरेटर का यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर। इसका यूज़ करने के लिए हम पहले इसको 1 kHz पे सेट करेंगे और फिर इसकी पीक टू पीक वोल्टेज 2 वोल्ट इस पर हम CRO पे मेजर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पीक टू पीक मेजर करने के लिए हम CRO के कनेक्शंस इसमें करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव पल्स हो गई और ये हमारी नेगेटिव पल्स हो गई, ये हमारी नेगेटिव पल्स हो गई और ये हमारी पॉजिटिव पल्स हो गई, ये हमारी पॉजिटिव पल्स हो गई, ये नेगेटिव पल्स हो गई। हम पहले इसको ऑन करेंगे और इसको ऑन करेंगे, इससे हम से जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेटर है इससे हम यहाँ पे पीक टू पीक 2 वोल्ट मेजर करेंगे। देखिए ये हमारी वेव आ गई, ये देखिए 1 वोल्ट पे है, 1 वोल्ट पर डिवीज़न पे है, यानी कि 1 डिवीज़न में इसमें 1 वोल्ट होता है। देखिए ये 2 डिवीज़न्स में है, यानी कि पीक टू पीक इसकी वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट है। ये हमारी मेजर हो गई स्क्वायर में पीक टू पीक 2 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे दोनों को। अब क्या करेंगे, अब इसका जो आउटपुट है इसका आउटपुट हम लगेंगे, इसका आउटपुट हम लगा देंगे पिन नंबर दो पे आउटपुट लगा देंगे, और इसका ग्राउंड जो है वो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है ये CRO का आउटपुट पिन नंबर 5 से लेंगे और ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे, ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑन करेंगे तीनों, और तीनों ऑन करने के बाद हम पल्स को मेजर करेंगे। देखिए ये हमारी पल्स, पहले देखो पीक टू पीक 2 वोल्ट थी, जब हमने IC555 से इसको मेजर किया तो हल्की सी पल्स जो है, पल्स की जो पीक टू पीक वोल्टेज है उसमें चेंजेस आया। अब क्या करेंगे, अब हम IC555 में क्या करेंगे, ये जो हमारा C3 है, ये हमारा C1 है, ये 0.01 माइक्रोफेरेट, इसको हम 0.01 माइक्रोफेरेट की बजाय इसको हम 1 माइक्रोफेरेट पे सेट करते हैं, इसको हम ले जा करके 1 माइक्रोफेरेट पे सेट कर देंगे। और फिर ये जो है, ये हमारा जो CRO का आउटपुट था, ये हमने पहले पिन नंबर 3 पे लिया था, अब CRO का आउटपुट हम पिन नंबर 6 से लेंगे। तो पिन नंबर 6 से लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक डबल लीड का उपयोग, हमारा CRO का आउटपुट है ये हम पिन नंबर 6 से लेंगे। देखिए पिन नंबर 6 से हमने ले लिया, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए हमारी क्या बन रही है, ये देखिए हमारी सॉटूथ वेव बन रही है, ठीक है। ये हमारा मोनो स्टेबल जो है, मल्टी वाइब्रेटर मोनो स्टेबल कंप्लीट होता है। कोशिश करें ये छोटे CRO पर ही यूज करें, शायद बड़े CRO पर ये ऑब्जर्वेशन ना हो पाए।